सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू माय चैनल नोमैड नक्श। सो कल रात मैं यहाँ पे स्टे किया था और बहुत बहुत शुक्रिया दादा, थैंक यू। तो कल मैं यहाँ पे रुका था और अभी ये वगोदरा है, तो यहाँ से अभी राजकोट आपको 170 किलोमीटर है, 160 to 170 किलोमीटर है। तो अभी बज रहे हैं 6 और देखते हैं कब तक लिफ्ट मिलता है, वेट रहेगा लिफ्ट का। जल्द से जल्द मिलेगा तो मैं पहुंचूंगा राजकोट। तो आज कल रात को मैं अच्छे से नहीं सो पाया था, उसकी तो चिंता नहीं है, बट हाँ डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, वो मैटर करता है। तो चलो फिर मिलते हैं किसी अजनबी के साथ रोड पे, टिल देन बाय बाय। ये वाला जो रोड है ये राजकोट जा रहा है और ये अहमदाबाद से, तो अपन मैं इधर से जाऊँगा, चलो बाय बाय। तो अभी मैं इधर लिफ्ट का वेट कर रहा हूँ, देखते हैं कब लिफ्ट मिलता है। 10 मिनट हो चुके हैं बट गाड़ियाँ, एक गाड़ी रुकी थी, बोला भाड़ा लगेगा, मैं बोला नहीं मेरे को ऐसे ही जाना है, देखते हैं क्या सीन रहता है। सो 15 टू 20 मिनट्स वेट करने के बाद मुझे लिफ्ट मिली है, भैया ने लिफ्ट दिया। भैया आपका नाम? धर्मेश। और आपका? आशीष। हाँ आशीष। आपका? जगदीश भाई। तो शुक्रिया आप लोग का। आप लोग कहाँ? राजकोट से। मतलब 20 टू 25 मिनट्स में वेट किया, फिर कुछ लोग रुक के भी थे बट वो लोग बोल रहे थे कि 50 रुपीज़ लगेगा, 40। पैसे की बात नहीं है बट द थिंग इज नए नए लोग से मीट करना, एक्सपीरियंस लेना, वो अलग बात रहता है। तो चलो अब मिलते हैं सफ़र पे। बातें करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है भैया के साथ इस ट्रिप पे, जा रहे राजकोट हम लोग। तो पता चला है जैसे मेरा नाम, घर का नाम निक्कू है, तो क्या होता है जैसे गुजराती में निक्कू को जैसे बोलते हैं, लड़की बोलते हैं, जैसे गर्लफ्रेंड बोलते हैं ना, निक्कू टबू। अच्छा निक्कू टबू, निक्कू निक्कू मैंने यहाँ पे लड़की होता है, गर्लफ्रेंड हो गई ऐसे। तो वो एक पहाड़ देख रहे हो आप लोग, आप लोग को पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं, वहाँ पे एक पहाड़ है छोटी टाइप, तो वो मंदिर है। कौन सा मंदिर है भैया? वो है चामुंडा का मंदिर है। चामुंडा, चामुंडा का वो मंदिर है। तो वो हाँ वो उसमें सीढ़ी है, 1000 सीढ़ी है, 1000 सीढ़ी है। तो वो भगवान जो भी है तो उनका बहुत ज्यादा मानता है, वहाँ पे रात को सीढ़ी नहीं चढ़ने देता, वो असली में सी आ जाता है, उसका शेर आ जाता है। अच्छा ऐसा है कि रात को? अच्छा अच्छा अच्छा, 8 बजे तो बंद ही हो जाता ये है। ये वाला जो दिख रहा है ना आप लोग को वही है वो। अभी उसका पिछला भाग है आगे से बहुत बड़ा है, मतलब उसका रास्ता दूसरा हो जाता होगा, हम पीछे से तरफ से आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी हम लोग रुके हैं एक जगह, कौन सी जगह है ये? चोटीला। हाँ तो चोटीला ये प्लेस है, तो अभी नाश्ता वास्ता करने के लिए तो भैया इनवाइट किए, मतलब नाश्ते के लिए बोले मेरे को, तो नाश्ता भी जलेबी आया है एंड पापड़ा। तो ये भैया हम दोनों, फिर से मिल लो भैया से, हाय बोल दो। हाय, आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा, वेलकम टू गुजरात। गुजरात में आप लोग का स्वागत है। तो राजकोट ऐसा है ना, राजकोट अभी डायमंड इंडस्ट्री जैसे, वहाँ गोल्ड वोल्ड ज़्यादा मिलता है ना, राजकोट इसी। अभी कितना किलोमीटर होगा? 25 50। अच्छा अभी 50 किलोमीटर और है रंगीला, रंगीला राजकोट। तो अभी हम लोग यहाँ पे नाश्ता वास्ता करेंगे, उसके बाद फिर जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो भैया तो कंटिन्यू, मतलब अहमदाबाद से आ रहे हो ना? अहमदाबाद से आ रहे हैं हम। ऐसा होता है ना कि अच्छे लोग को मिलना रहता है मेरे, मतलब डेस्टिनी में तो मिल ही जाते हैं। और भैया का कल बर्थडे है तो देखिए कल सेलिब्रेट तो ज़रूर करना है बर्थडे भैया का। तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे आपको, कल पक्का सेलिब्रेट करते हैं, कल देखते हैं अभी क्या प्लान होता है। अभी पहले पहुंच के जैसा होता है फिर आप, ये देखो जलेबी ऐसा और ये फाफड़ा। ओ जलेबी फाफड़ा, जेठालाल जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, तो आजकल देखता हूँ मैं, मतलब वही देखते रहता था बचपन से, क्या है तो जलेबी फाफड़ा। हम लोग के बिहार में वैसा कुछ है नहीं फाफड़ा, जलेबी तो मिलता है बट फाफड़ा नहीं मिल पाता है, तो यहाँ का भी टेस्ट लेंगे। काठियावाड़ी फाफड़ा, काठियावाड़ी खाटियावाड़ी फाफड़ा। चल
सो भैया मेरे लिए स्पेशली ये मंदिर आए हैं, ये जो देख रहे हो ऊपर वाला ये पूरा मंदिर है, चामुंडा मंदिर है। और हम लोग अभी आगे जा रहे हैं तो भैया बताएंगे इस मंदिर के बारे में। भैया बताओ इस मंदिर के बारे में। ये मंदिर तो बहुत पुराना है, सबको पता ही है। मेरे हिसाब से मंदिर को रात को तो बंद हो जाता है क्योंकि ओरिजिनल सीन आता है। ओरिजिनल शेर आ जाता है ना, इसलिए पुजारी ने। अच्छा मतलब ऐसा चीज है कि रात को जैसे शेर वगैरह आ जाता है ये। सुबह 4 बजे खुल जाता है, रात को 6:30 लास्ट आरती होती है। अच्छा पूरी हो गई। अच्छा तो ये जो देख रहे हो संडे को काफ़ी यहाँ पे भीड़ रहता है, आज मंडे है तो इसीलिए उतना क्राउड नहीं है, लेकिन फिर भी है क्राउड यहाँ पे। 1000 हाँ तो 1000 सीढ़ी है यहाँ पे पूरा, जो वो ऊपर देख रहे हो ना वहाँ पे मंदिर है, तो ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं। रोपे भी है की बात हो चुकी है। हाँ अच्छा ये देखो ये मेन गेट हो गया, जो बुजुर्ग लोग नहीं चढ़ सकते दर्शन करके। और ये कैसे अच्छा। फोटो खिंचवाने के लिए तो भैया हम मेरे लिए स्पेशली आए हैं कि मेरे को दर्शन हो जाए, बट ऐसा सीन है कि अभी हम लोग नहाए धोए नहीं है तो इसीलिए हम लोग ऊपर नहीं जा रहे हैं। हाँ यहाँ पे हाँ एज लाइक ये लग रहा है पूरा वैष्णो माता है ना जम्मू, वही लग रहा है पूरा। तो काफ़ी अच्छा लगा यार मंदिर में आके, मतलब ऊपर तो नहीं जा पाए, अगली बार जब भी आए या फिर उधर से अगर मैं लौटूंगा, टाइम भी नहीं है और प्लस ऐसा भी है कि नहाए भी नहीं हम लोग, ऐसा भी है तो फिर दूर से माता को प्रणाम। और बहुत ही अच्छा लगा भैया, थैंक यू यहाँ लाने के लिए। और पता है जैसे ये लोग मिले हैं, पता नहीं जो भी डेस्टिनी से मिलते हैं कौन यार वही चीज़ रहता है कि हम लोग जाएंगे वापस से राजकोट जो कि है 50 किलोमीटर्स। और यहाँ देखो काफ़ी मस्त सीन हो रहा है, उधर पहाड़ पहाड़ पहाड़। ये गेस्ट हाउस हो गया आपका है ना, गेस्ट हाउस टाइप का है। ये देखो ऊपर से ये वाला जो सीढ़ी दिख रहा होगा ना आपको, हाँ ऊपर माँ लिखा हुआ है, तो ये सीढ़ी पूरा ऊपर जाता है एज लाइक पूरा खड़ा चढ़ाई है। ये 1000 सीढ़ी है पूरा खड़ा चढ़ाई। ये जो सामने देख रहे हो ये पुराना मंदिर है और वो वाला ऊपर नया है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा यार ऊपर पहुंच के, टॉप पे अगर पहुंचते ना। और एक और आप जो बोल रहे थे मंदिर है वो 9000 सीढ़ी, वो जूनागढ़ में। अभी तो जूनागढ़ राजकोट से जूनागढ़ ही निकलना है तो वहाँ पे 10000 सीढ़ी है। कौन सा मंदिर है? महादेव का ही, महादेव का मंदिर है वहाँ पे। हमारे भारत में वैसे भी मंदिर में मंदिर बहुत ज़्यादा है, मंदिर है, मस्जिद है, भगवान तो हर जगह है, दिल बस साफ होना चाहिए और क्या। चलो फिर मिलते हैं रास्ते में। मैं पहुंच चुका हूं राजकोट और मैं अभी होस्ट के यहाँ जा रहा हूं, तो भैया मुझे छोड़े हैं एकदम होस्ट के यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ला के छोड़े हैं मेरे को। भैया को जाना है इधर 3 किलोमीटर और आगे। और ये रहा मतलब ये पार्टी लॉन है वो होस्ट का, भैया का नाम है मीत, तो उनसे भी मिलेंगे थोड़ी देर में। भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अभी हम लोग मिल के नहीं, अभी हम लोग हमेशा मिलेंगे ऐसा है भैया। नीचे उतरते चलो जी, नीचे आपका सीन मिलेगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ मीत भैया के यहाँ, और भैया अभी मेरे को यहाँ तक ड्रॉप किया यार, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया इन लोग के पास, बहुत ज़्यादा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। फिर मिलते हैं अभी, हाँ कॉल करेंगे, हाँ कॉल करेंगे अभी सामान निकाल। सो वंस अगेन हेलो एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। अभी मैं हूँ राजकोट में, तो यहाँ पे मेरे को होस्ट मिले थे जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो वो मीत भैया है, उनका नाम मीत है, तो वो गए हुए थे कुछ काम वाम से, तो अभी आए हैं, मैं उनसे आपको आप लोग को उनसे मिलवाता हूँ। और तब तक ये देखो ये पूरा मीत भैया का है, एक्चुअली ये लॉन है, सो वेडिंग्स वगैरह एनिवर्सरीज वगैरह जो भी होता है तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ होता है। वेडिंग्स ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब 6 मंथ मीत भैया लोग ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं। सो ये पूरा लॉन है आगे से फ्रंट में, बहुत ही प्यारा सा वेन्यू है उनका।
सो अभी मैं चलता हूँ उम्मीद भैया से मिलवाने, वो भी मेरे सोलो ट्रैवलर एक तरह के, वो बिजनेसमैन भी है एंड सोलो ट्रैवलर भी है। तो अभी सीन ऐसा था कि यहाँ पे मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ यहाँ रूम में, तो पानी वानी का थोड़ा सीन्स हो गया था, तो अभी मैं फ्रेश हुआ हूँ एंड आफ्टर दैट अभी मैं कुछ खाऊँगा, पहले आपको पहले मीत भैया से मिलवाता हूँ। सो यहाँ पे उनका ऑफिस है। मीत भैया से हाय। हाय। सो ये है मीत भैया। तो मैं आया था 12 बजे में आया था ना, 12 बजे मैं आया था तो इनको कॉल किया था, एक्चुअली ये बाहर थे तब तक मैं वेट किया। तो ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन बाय द वे, थैंक यू फॉर होस्टिंग मी। सो ये भी मेरा ये भी एक सोलो ट्रैवलर है मेरे तरह, मतलब ये भी ट्रैवल कर रहे हैं बट इंडिया में नहीं, ये अब्रॉड में, इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। सो इनसे काफ़ी कुछ सीखने को हमें मिलेगा। तो अभी अभी मैं कुछ खाऊंगा, देखता हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं शाम में। मित्रा आप क्या कहना चाहेंगे, मेरा नेचर क्या है, मेरा नेचर क्या है? अभी तो कुछ नहीं, बहुत सीखने को मिलेगा। तो एक ऐसा होता है ना कि ट्रैवलर से ट्रैवलर कांटेक्ट होता है तो वाइब्स मैच हो जाते हैं, तो ये चीज़ होता है। मैं अभी तो इंडियन ट्रैवलर हूँ, इंडियन एक्सप्लोर कर रहा हूँ बट ये बाहर बाहर ट्रैवल कर चुके, तो मैं इनसे मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलने का।